सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृत्यो॒र्मा अमृतमय शान्तिः शान्तिशन्तिः हम जिस यात्रा की बात कर रहे हैं अंधकार से प्रकाश की यात्रा की बात कर रहे हैं असत्य से सत्य की और, और मृत्यु से मोक्ष की यात्रा की बात कर रहे हैं इन तीन तत्वों की जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसका जो सबसे सरल मार्ग आपको पूरे विश्व में कोई दार्शनिक तत्व के माध्यम से बहुत प्रमाणिक जानने को मिलेगा तो वह क्रिया योग है क्रिया योग में महर्षि पतंजलि बहुत स्पष्ट कहते हैं कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार उद्बुद्ध करना है कैसे जागृत करना है कैसे हमें मोक्ष की ओर अग्रसर होना है किस प्रकार अंधकार से प्रकाश की यात्रा आरंभ करनी है किस प्रकार मृत्यु से मोक्ष की यात्रा आरंभ करनी है किस प्रकार हमें असत्य से सत्य की यात्रा आरंभ करनी है यह दर्शन जो है यह क्रिया योग है ईश्वर प्रिधान दूसरे अध्याय के पहले ही श्लोक में ये बात को कह दिया परंतु उसका जो पार्ट भी है उसको पहले ही कह चुके हैं वह पहले अध्याय के तेईसवें सूत्र से ये बात इंगित आती है ईश्वर के विषय में महर्षि पतंजलि पहली बार बहुत दृष्टिकोण से बहुत पूर्वक बहुत क्लियर फोकस्ड होकर बता रहे हैं दोस्तों मित्रों मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं इस बात पर कि संपूर्ण विश्व में जितनी भी आज मतान घूम रहे हैं जो मजहब है तथा कथित धर्म के नाम से जिनको हम जाना जाया करता है उनको यदि हम बात करें तो उनके पीछे एक विशेष विचारधारा ही है और विचारधारा इस पर केंद्रित है कि वह अपने ईश्वर को सबसे बड़ा मानते हैं और वह कहते तो हैं ईश्वर एक है एक है तो सब उसकी संतान भी सब एक है तो भेद होना नहीं चाहिए चाहे वो मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे वैदिक धर्मावलंबी हो यदि एक ईश्वर की बात की जा रही है और एक नूरते सब जग उपजा कौन पले कौन मंदे यदि यह बात की जा रही है फिर भेद कहां है भेद ये है कि हम कहते कुछ हैं और मानने को उसको तैयार नहीं है परंतु महर्षि पतंजलि इस द्वंद को तोड़ते हैं इस जो भेद है इसको बहुत गहरे से चोट पहुंचाते हैं इस दर्शन के माध्यम से जिसका नाम है योग दर्शन हम उसकी चर्चा करेंगे परंतु उससे पहले मैंने कहा कि हमने स्वाध्याय की चर्चा की थी तप की चर्चा की थी तप में तीन प्रकार का तप है शारीरिक वाचिक और मानसिक तप मुझे उसके विषय में थोड़ा सा और आपके साथ चर्चा करनी है और ये चर्चा में ये योग सूत्र ऑफ पतंजलि परमहंस प्रजानंदा स्वामी जी महाराज की ओर से लिखित ये पुस्तक है और मैं लगातार फेसबुक के माध्यम से भी आपके साथ इसमें मेरी पूरे नब्बे दिन तक मैंने इस पर आपके साथ मंथन किया चिंतन किया मुझे लगा कि मैं ये आपके साथ साझा करूं कुछ लाइनें ऐसी हैं कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो आप तक पहुंचनी चाहिए को लिखते हैं तपस वी विल एक्सप्लेन तपस फ्रॉम मेनी डिफरेंट परस्पेक्टिव तपस इज डिराइव फ्रॉम द रूट वर्ब तपह विच मींस टू शाइन टू ब्लेज टू बी हॉट टू सफर टू मॉडिफाई द बॉडी आर टू बर्न इन अदर वर्ड्स तपस इज द प्रोसेस विच वन कैन बर्न ऑल इंप्योरिटीज एंड मेक द माइंड शाइन ज एंड लव अर्थात ये यदि हम गहरे से समझेंगे कहीं ना कहीं शाइन करने की बात आ रही है कहीं बर्न करने की बात आ रही है और कहीं अपने आप को पश्चाताप करने की बात आ रही है तब में ये सब कुछ समाहित सा दिखाई देता है और वो बहुत अच्छे से इस बात को और आगे बढ़ाते हैं कह रहे हैं कि भगवद गीता में सत्रवें अध्याय में योग की क्लासिफिकेशन में यह चौदह से लेकर उन्नीस तक जो श्लोक हैं, सत्रवे अध्याय के चौदह से उन्नीस तक के श्लोक उसके विषय में आपसे चर्चा करूंगा विच डिस्क्राइब्स दिनांस ऑफ द बॉडी स्पीच एंड माइंड जो मैं आपसे पहले चर्चा कर रहा था कि शारीरिक तप मानसिक तप और वाचिक तप आप कहेंगे साहब ये वाचिक तप क्या है वाणी का तप साहब श्रद्धे स्वामी जी महाराज इसे कहते हैं कि वाणी ब्रह्म गवि है वाणी आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकती वाणी आपके अंदर वो एक ऐसी ऊर्जा की शक्ति है जो कहते हैं कि ब्रह्म गवि जो ईश्वर को प्रस्तुत करने वाली बात है आप अपनी अभिव्यक्ति कैसे कर पाएंगे वो आप शब्दों के चयन के माध्यम से वाणी के माध्यम से करते हैं और उसका बहुत महत्व है उन्होंने कहा एनी मेथड योगी टू डिसिप्लिन दीज थ्री डिवाइन गिफ्टर दिन शरीर मन और वाणी इन तीनों को जो सेल्फ डिसिप्लिन करने का नाम है उसे ही तप कहा गया है किसी भी माध्यम से इनको सेल्फ डिसिप्लिन करने का जो कार्य है उसे ही तप कहा गया है लेट इट बी यूज फॉर वन ओन एवल्यूशन एंड टू सर्व गॉड्स क्रिएशन अपने स्वयं को जागृत करने के लिए और उस परमात्म तत्व की जो ये पूरी सृष्टि है ये कायनात है ये प्राणी मात्र है उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को तैयार करने का नाम तप है बहुत गहरे शब्द हैं तो कह रहे हैं तपस आल्सो इंडिकेट्स द जनरेशन ऑफ एन इनर फायर टू बर्न ईगो एंड द सीड्स ऑफ द कर्मा कह रहे हैं कि तप है क्या अहंकार को समाप्त करना और जो कर्माशय के आपके अंदर बीज थे जो संस्कार पूर्व जन्मों के हमारे साथ चले आ रहे थे उन संस्कारों को समाप्त करना उन कर्माशयों को समाप्त करके आपको मोक्ष की ओर अग्रसर कर देना यह तप है तपस इज द एंड ऑस्टिटी दैट ब्रिंग्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इनटू वनस ओन लाइफ ये सेल्फ डिसिप्लिन का रास्ता है तो मैं जो बात कह रहा था कि स्वाध्याय सेल्फ ऑडिट है तप सेल्फ डिसिप्लिन है और ईश्वर परिधान क्या है ईश्वर प्रणिधान के विषय में अभी मैं आ, देख रहा था कि हमारे इस साधन पाद के जो सूत्र हैं उन सूत्रों के विषय में चर्चा करते हुए बात बहुत ध्यान से समझ में आती है कि दूसरे ही सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ महर्षि पतंजलि बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि ये क्रिया योग का लाभ क्या है आखिर तो कह रहे हैं समाधि भावनाथ इसका मूल लक्ष्य ही समाधि को प्राप्त करना है और क्या करना है तो कह रहे हैं क्लेश तनुकरणार्थ दूसरा इसका लक्ष्य क्रिया योग का तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का दूसरा लक्ष्य क्या है आपके दुखों को आपके क्लेशों को निरंतर न्यून करना निरंतर कम करना दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है जहां क्रिया योग केवल मात्र तीन तत्वों के ऊपर चर्चा की गई है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया गया है तप स्वाध्याय प्रणिधान का यह सूत्र यदि हमारे जीवन में समाहित हो जाए ये तप हम सेल्फ डिसिप्लिन कर पाए अपने मन वाणी और अपने शरीर की इंद्रियों को क्रमेंद्रियों को ज्ञान इंद्रियों को हम नियमित रूप से संयमित कर पाए इसमें एक शब्द जुड़ रहा है वह है सतत प्रयास के साथ दूसरा शब्द जुड़ रहा है नियमित रूप से हम सब प्रयास करते हैं मेरे सहित निरंतर हमारे सामने बहुत से द्वंद आते हैं बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जो हमें शिथिल करते हैं हमारी दृढ़ता को क्षीण करते हैं हमारे संकल्पों को तोड़ते हैं उस पर चोट करते हैं उन संकल्पों को टूटने नहीं देना वापस पुनः उन संकल्पों के साथ खड़े हो जाना यही मानवता की पहचान है मैं स्वयं इस बात का साक्षी हूं और आप भी इस बात को मानेंगे कि जीवन में आप छोटे छोटे हम जो संकल्प लेते हैं हम निर्णय करते हैं कि हम ऐसा जीवन जिएंगे, ऐसा जीवन जिएंगे, ऐसा बहुत सात्विकता के साथ जीवन जिएंगे। परंतु जीवन में बहुत से कई बार कष्ट आते हैं तनाव आते हैं वातावरण परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल हो जाती हैं हमें परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ता है समझौता करना पड़ता है उस सबके बीच में हम उस अनुशासन को बनाए रखें ये बहुत कठिन हो जाता है तो हम चर्चा कर रहे हैं कि तनु क्लेश कितने हैं हमने बहुत स्पष्ट कहा कि क्लेश अविद्या अविद्यामित राग द्वेश अभिनिवेश पंच क्लेश सारे जीवन के यदि हम दुखों को इकट्ठा करना चाहें तो आप उनको पांच भागों में विभक्त कर सकते हैं केवल मात्र पांच आप कहेंगे साहब हमारे तो बहुत जीवन में कष्ट है बहुत तनाव है बहुत दुख है आप सारे दुखों को इकट्ठा कर लीजिए आप बांटना चाहेंगे तो केवल पांच भागों में बट जाएंगे वो पांच क्लेश कौन से हैं तो हैं सबसे पहले अविद्या आपको ठीक से मालूम नहीं है कि आखिर वास्तविकता क्या है आप जिसे अपना समझ रहे हैं क्या वो पराया तो नहीं और जिसको दूर समझ रहे हैं क्या वो सबसे नजदीक तो नहीं आपके कई बार आपका कोई मित्र संबंधी आपसे दूर है हो सकता है शारीरिक रूप से दूर हो परंतु मानसिक रूप से आत्मिक रूप से बहुत आपके साथ निकट है आप उसको अनुभूत नहीं कर रहे आप केवल शारीरिक उपस्थिति को ही उपस्थिति मान के चल रहे हैं और जो शारीरिक रूप से उपस्थित लोग हैं उन्हें अपना मान लेते हैं वहां धोखा खाते हैं कई बार यह समझ कि कौन अपना है कौन पराया ये दुनिया को वर्षों लग जाते हैं इस एक बिंदु पर उत्तर खोजने के लिए कि वो मेरा कितना अपना है वो मेरा प्राय है वो मेरे सुख दुख में कितना खड़ा होगा कोई कष्ट आएगा तो कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपने छोड़कर भी मेरे साथ आकर खड़ा हो जाएगा इस चिंतन को निरंतर कहते हैं ये चिंतन निरंतर करने की आवश्यकता है कि मेरा दोस्त कौन है और मेरे दुश्मन कौन है व्यक्ति इस अविद्या से निकल नहीं पाता है और इसमें फंसा रहता है और कहते हैं कि जब दुख की घड़ी आती है तो वे बादल छटते हैं और फिर व्यक्ति दोबारा उस दुख की घड़ी में ही उस बादल को छटाना चाहता है तब तक वो वैसे ही वैसी मोह माया में वैसे ही जकड़ा रहता है और बात यहाँ तक समाप्त नहीं हो जाती अविद्या के साथ साथ केवल मात्र आपको अपने और पराये की बात नहीं है हम ऐसा जान जैसे ईश्वर क्या है और ईश्वर की कैसी पूजा करनी चाहिए क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए हम अंतर ही नहीं जान पाते हैं बात इतनी भी नहीं है इससे और आगे चलें बहुत ज्यादा जो हमारे जीवन में कष्ट हैं वो अविद्या के कारण ही हैं आइए उस अविद्या के विषय में हम जानेंगे फिर बात आती है अस्मिता की एक अहंकार का तत्व है मैं और मेरा मैं करता हूं ये जो कर्तापन का जो भाव है जब वो एक सीमा तक तो आपकी पहचान है स्वाभिमान है परंतु स्वाभिमान और अहंकार में बहुत पतली सी एक रेखा है जैसी वो रेखा क्रॉस होती है वही स्वाभिमान अहंकार बन जाता है और घरों के टूटने का परिवार के टूटने का भाइयों के बीच में तकरार का एक बड़ा कारण केवल मात्र इतना सही है बड़ा छोटे को प्रेम देना नहीं चाहता और छोटा बड़े को सम्मान देना नहीं चाहता एक छोटी सी लकीर और बीच में वो लकीर कौन सी है वो मानने को भी तैयार नहीं कि मेरे अंदर अहंकार है और वो है अहंकार ही बहुत से जीवन में मैंने देखा कि पति पत्नी हैं लाखों केस पड़े हुए हैं भारत की इन कोर्ट्स में जो बेटियां बेटों से तलाक चाहती हैं बेटे बेटियों से तलाक चाह रहे क्या परिवार टूट रहा है एक इस अस्मिता के बल पर राग और द्वेष जिससे सुख मिल रहा है जो आपका प्रिय आचरण कर रहा है बार बार आपको बहुत अच्छा अच्छा सुना रहा है आपको लगता ही मेरा अपना है और एक बात किसी ने कह दी वो आपको कष्ट कर गई और उसको बार बार स्मरण करने से वो द्वेष बन जाता है और पांचवा जो दुख का कारण है वो है अभिनिवेश मृत्यु का भय बार बार कोरोना कहीं बाहर निकले कहीं नाक में आ गया सांस में आ गया क्या होगा सांस की नली में चलेगा अरे अपनी इम्यूनिटी करो कोरोना आ भी जाएगा हम उसको मार भगाएंगे इस प्रकार का जज्बा हम पैदा कर पाए रोग आएंगे कष्ट आएगा बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ हमारे आसपास घूम रहे हैं करोड़ों की संख्या में घूम रहे हैं हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है मुझे एक बात बहुत अच्छे से याद आती है सकारात्मकता क्या चिंतन करती क्या लाभ करती है मैं देख रहा हूँ पिछले नौ महीने से श्रद्धा स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रद्धा आचार्य श्री के पावन सानिध्य में यहाँ पर निरंतर आचार्य कुलम चल रहा है पतंजलि योगपीठ चल रहा है और इतने सारे प्रकल्प चल रहे हैं पहले दिन से ही एक दिन भी पतंजलि आयुर्वेद की वो फैक्ट्री प्रोडक्शन बंद नहीं हुई है कितने किसानों को रोजगार मिल रहा है कितने युवा हाथों को रोजगार मिल रहा है एक दिन भी नहीं हुई कारण क्या है सकारात्मक चिंतन ध्यान रखना पड़ेगा सजगता रखनी पड़ेगी सावधानी रखनी ही पड़ेगी सावधानी ही साधना है परंतु उसके साथ सकारात्मक चिंतन रखना पड़ेगा वो रोग कैसा है जैसे आप मंडी में गए और आपके सामने गोभी भी पड़ी है आलू भी पड़ा है बैंगन भी पड़ा है टमाटर भी पड़ा है आपको तय करना है कि आपको घर में क्या लेके जाना है अच्छा आप बताइए कि यदि आपने सब्जी की दुकान से उस रेहड़ी से अपने झोले में गोभी के फूल डाले तो घर आकर यदि आपकी देवी पत्नी खोलेगी उस झोले को उसमें से क्या निकलेंगे साहब गोभी निकलेगी या आलू भी निकलने शुरू हो जाएंगे बैंगन में निकलने शुरू हो जाएंगे आप कहेंगे साहब कैसी बात करते हैं आप रेहड़ी से तो लाए थे गोभी घर जाकर वो गोभी ही निकलेगी बैंगन या टमाटर कैसे निकलेंगे उसमें से भैया बस यही बात है वो गोभी कुछ नहीं है वो सकारात्मकता के फूल हैं और वो बैंगन नकारात्मकता क्या पर्यायवाची है आप क्या लाए हैं बाहर से अंदर ये आपको तय करना है यदि आप सकारात्मकता के भाव चिंतन को वही विचारधारा को पॉजिटिविटी को लेकर आपने घर तक पहुंचे तो आपका जीवन आपका परिवार सकारात्मकता से भर जाएगा और यदि बाहर से आप अंदर आए परंतु अपने साथ वो नकारात्मक तत्व साथ लेकर आए तो परिवार में नकारात्मकता के चिंतन को पनपने से कोई ताकत नहीं रोक सकती इस बात को आपको समझना होगा और मैं इस बात को इस दृष्टिकोण से समझना चाह रहा हूं। मैं आपसे कहना चाह रहा था मेरे सामने पहले अध्याय का तेईसवा सूत्र है ईश्वर प्रणिधान ईश्वर के विषय में चिंतन करते हुए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि ये सारे क्लेश कम कैसे होंगे आपने तो कह दिया समाधि भावनाथ क्लेश तनुकरणार्थ आपने तो कह दिया क्लेश कम होंगे कैसे कम होंगे तो कहने लगे जी क्रिया योग से कम होंगे तो क्रिया योग में हमने तब भी किया हमने शरीर को प्राणायाम आसन भी किया मन को भी एकाग्र किया भटक रहा था इधर से उधर हमने उसको एकाग्र करने का प्रयास किया वाणी को भी संयमित किया परंतु क्लेश तो कम हुए हैं परंतु बहुत कम नहीं हुए हैं तो क्या करें तो कि ईश्वर प्रणिधान तो में बहुत अच्छे से महर्षि पतंजलि के इस सूत्रों पर टीका करते हुए महर्षि व्यास ने क्या सुंदर चिंतन किया है उन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके साथ चलना चाहता हूं और वो कहते हैं प्रणिधान अर्थात भक्ति विशेष से अनुकूल किया हुआ ईश्वर संकल्प मात्र से उस योगी को अनुग्रहित करता है योगी को सहायता देता है उस ईश्वर के संकल्प द्वारा दी हुई सहायता से भी योगी को अति शीघ्र क्लेश से मुक्ति भी होती है और समाधि की प्राप्ति होती है समाधि का फल मिलता है और दूसरे शब्दार्थों के दृष्टिकोण से हम देखें तो शरीर आदि समस्त को ईश्वर का मानकर उसकी आज्ञा अनुसार अपने शरीर का प्रयोग करना तथा समस्त कर्मों को ईश्वर को ही समर्पित करना और उनका कोई फल ना चाहना यह है कितना गहरा तत्व है ईश्वर का और मैं सांख्य के विषय में कह रहा था सांख्य में पुरुष की चर्चा आई पुरुष में आप आत्मा को गिन रहे हैं या परमात्मा को गिन रहे हैं बहुत सा द्वंद है इस विषय पर परंतु स ईश्वर कोई दर्शन है तो हम कह सकते हैं कि सांख्य में यदि स ईश्वर कर दें तो वह सांख्य ही योग दर्शन बन जाता है वह स ईश्वरवाद ये योग की परिवाह बाची है तो सांख्य ही पढ़ने वाले जो लोग हैं यदि योग दर्शन में बात करें तो वह ईश्वर तत्व को जोड़ने और ईश्वर तत्व के जब जोड़ने की बात आएगी तो हम पहले अध्याय के इस तेईसवें सूत्र को छोड़ नहीं सकते और उसको कहा नात्मा प्रवचन लभ्यो न ना मेध्या ना बहुना न बहुना श्रुतेन यम वैशस् वृणुते तेन लभ्यश आत्म विणुते अयम आत्मा ये आत्मा प्रवचन व उपदेश से प्राप्त नहीं है ना मेध्या, ना ना न मेध्या न मेधा बुद्धि से न बहुना श्रुतेन उपदेश को बहुत मात्रा में सुनने से भी ये प्राप्त नहीं है एष आत्मा ये आत्मा यम एवं विणुते जिसको ही वर्ण करता है तेन उसके द्वारा लभ्य प्राप्त करने योग्य है ये आत्मा ये आत्मा तस्से उसके लिए स्वाम तनु विवृणुते अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है तो कितना ईश्वर के विषय में कहा कि आप आत्मा को जो वर्ण करते हैं तो आप प्रकट करता है ईश्वर आपका वर्ण करेगा आपको अपने सुपात्र के रूप में जब चयन करेगा तब ईश्वर अभिव्यक्त तो होगा आपके भीतर तो आप अपने आप को केवल अच्छा सुपात्र बनाने का प्रयास करिए आप सुपात्र बन जाइए ताकि परमात्मा आपका कर सके स्वाध्याय और ईश्वर परिधान से आप सुपात्र बन जाएंगे आप दुखों से क्लेशों से कष्टों से मुक्त होते चले जाएंगे आपके जीवन में अशुद्धियों का क्षय होगा और यही योग दर्शन का योग का मूल लक्ष्य यही है यह योग का बहुत स्पष्ट सा मंतव्य है कि योग आपके जीवन में अशुद्धि का क्षय कर देगा क्रिया योग यहीं पर अपनी बात कर रहा है और बहुत स्पष्टता से कहता है कि आपके जीवन में तप से शारीरिक मानसिक और वाचिक अशुद्धियों का क्षय होगा स्वाध्याय से उसका और परिमार्जन होगा और जब ये सब कुछ हो जाएगा तब आप अपने कर्मों की आहुतियां ईश्वर के चरणों में अर्पित करना शुरू कर देंगे और फिर फल की कर्मण्यवाधिकारस्ते फिर वो गीता के उन श्लोकों के साथ हम आगे बढ़ेंगे मैंने आपसे चर्चा की थी कि सत्रवे अध्याय के चौदह से उन्नीस श्लोक पर ये तपस्या को लेकर बहुत गहरा चिंतन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने दिया है मैं एक सूत्र के साथ एक श्लोक के साथ आज की वार्ता को समापन की ओर लेके चलता हूं बहुत सीधा सा आपको वह समझ में आएगा कि क्या कहना चाहते हैं योगेश्वर भगवान कृष्ण कह रहे मन प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्म विनिग्रह भाव इते उच्यते कह रहे हैं कि मन को संयमित संयमितने का जो अर्थ है इसे इंद्रिय तृप्ति से विलग रखना चाहिए इंद्रिय से अलग है विषय। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में ही सोचे उसके लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है विचलित नहीं होना और इंद्रिय भोग से सदैव बचना अपने स्वभाव को शुद्ध रखना इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रखना और मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है यह बहुत स्पष्टता के साथ योगेश्वर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कह रहे हैं मन मन की तुष्टि अन्यों के प्रति कपट भाव से रहित रहना मौन रहना गंभीर रहना आत्म, आत्म संयमित होना भाव संशुद्धि अपने स्वभाव का शुद्धिकरण एतत यह तपस्या मानसो मन की तपस्या कही जाती है तो मैंने आपको तपस्या में शारीरिक तपस्या और वाचिक तपस्या पे बहुत अधिक कहने की आवश्यकता मुझे लगी नहीं परंतु मानसिक तपस्या के विषय में जब बात आई तो मुझे लगा कि भाव शुद्धि होना कितना आवश्यक है हम यदि मन से भाव से भी किसी के प्रति विद्वेश सोचेंगे तो उसका भी हमें कष्ट भोगना पड़ेगा आइए मानसिक इस तप को करने का भी हम संकल्प लें शारीरिक मानसिक और वाचिक तप की अपने जीवन में एक संकल्पना के साथ अनुभूति करें और इस तप के साथ हम स्वाध्याय करते हुए ईश्वर परिधान की ओर आगे बढ़े यद्यपि एक बहुत विस्तृत चर्चा है स्वाध्याय और तप के विषय में मैंने फिर भी उसको थोड़े से शब्दों में आपके बीच में रखने का प्रयास किया और ये मेरा कतई उद्देश्य नहीं कि मैं इसको आपको समझाऊं उद्देश्य इतना ही है कि मैं खुद समझ पाऊं और आप भी यदि समझ पाए तो बहुत अच्छा होगा अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे क्रिया योग के अंतिम तत्व की अर्थात तीसरे तत्व की ईश्वर परिधान की आज के लिए इतना ही ओ।